सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप अच्छे से पढ़ते हो तभी हम अच्छा पढ़ा पाते हैं। अगर आप ध्यान ना दो पढ़ने में, ठीक है, तो आपको समझ नहीं आएगा, और समझ नहीं आएगा तो आप क्या बोलोगे, सर आप बहुत बुरा पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता। तो टीचर का पढ़ाना ना पढ़ाना बच्चे पर डिपेंड करता है कि अच्छे से बच्चा अगर समझता है ध्यान से, ठीक है, तो बुरे से बुरा टीचर भी होगा ना तो उसको भी अच्छा लगना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से समझ रहा है, ठीक है, सारा खेल समझने का है। आप बहुत प्यारे तरीके से समझते हो तो आपको हर चीज समझ में आएगी, ठीक है। तो बस यही चीज है, आप अच्छे से समझो, ठीक है, पूरा फोकस करो, एनर्जी को एक जगह लगाओ, ठीक है। मैं सच कह रहा हूं कि देखो, जन्म दोबारा मिलता है या नहीं मिलता मुझे तो नहीं पता, ठीक है, एक बार मिला है, ठीक है, इसको अच्छे से जियो। और अच्छे से तभी जी पाओगे जब आप भाई इस समाज में इन लोगों के बीच में एक अपनी समझ रहे पोजीशन क्रिएट करोगे, और पोजीशन तब क्रिएट करोगे क्योंकि नेचर ने आपको मौका दिया है, आपको पता ही नहीं है, लोगों को तो मौका भी नहीं मिलता, ठीक है, मतलब इतनी हायर स्टडी के बारे में सोचने का भी मौका नहीं मिलता, ठीक है, तैयारी तो बहुत दूर की बात है। तो आपको नेचर ने, मतलब आपके पेरेंट्स के माध्यम से एक मौका दिया है, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करो। मैं सच कह रहा हूं, अभी नहीं समझोगे क्योंकि अभी बच्चे हो, अभी तो आप मस्ती के मूड में हो, ठीक है, पता नहीं दिमाग में बहुत सारी डाइवर्जन चल रहे हैं इधर उधर, पता नहीं क्या, मतलब जो भी है, ठीक है, अब बहुत डाइवर्टेड बच्चे होते हैं, उनकी बच्चों की बात भी नहीं है, क्योंकि ये मैं खुद ही यार कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से भी मैं अटैच हूं, तो साइकोलॉजिकल देखते हैं कि बच्चों की जो एज होती है ना यार, ये एज होती ही है जहां डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो नेचर ने बनाया भी नहीं, सबसे ज्यादा एनर्जी कहां होती है, टीनेजर्स के अंदर, यही 12 से 18 के बीच में एनर्जी भरपूर भगवान ने दी है, मतलब खतरनाक एनर्जी दी, आप कुछ भी कर सकते हो इस ड्यूरेशन के अंदर, आप समझ रहे हो, जो ये एज होती है सुपर एनर्जी होती है आपके अंदर, ठीक है। पर नेचर ने क्या कर दिया, एक समझ लो ब्रेन के अंदर एक डाइवर्सिफिकेशन डाल दिया, इस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आप क्या हो, भटकते रहते हो, जिसकी वजह से उस एनर्जी का सही यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। लाखों में से कुछ पॉइंट्स में बच्चे होते हैं, कुछ पॉइंट में परसेंट बच्चे, परसेंट में निकालोगे पॉइंट्स में, वो समझ जाते हैं सही टाइम पर, सारा खेल टाइम का है, सही टाइम पर सही डिसीजन, ठीक है, लेकर के तो वो बूस्ट दुनिया के टॉप मोस्ट लेवल पर पहुंचते हैं और दुनिया में नाम करते हैं अपना, और जिंदगी को बहुत आलीशान तरीके से जीते हैं, अपने लिए भी जीते हैं, अपने फैमिली के लिए भी जीते हैं, और अपने देश के लिए भी जीते हैं, ठीक है। और नो डाउट अच्छे लोग होते हैं तो वो नो डाउट समाज के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा ही करते हैं वो। तो बस वही चीज है, ठीक है, कि सही समय सही डिसीजन, उस समय को सही से यूटिलाइजेशन, जो नेचर ने आपको अपार एनर्जी दी है उस एनर्जी का सही यूटिलाइजेशन, और समय निकल गया फिर तो बेकार है ना, ठीक है, अब टाइम ही निकल गया ये फिर क्या करोगे, ठीक है। दो तीन साल ड्रॉपर करने के बाद तो कोई मतलब नहीं होता, तीन चार साल आपने ड्रॉप कर लिया, उसके बाद आप सोचो तैयारी करो, फिर आगे भी तो पढ़ना होता है, ठीक है, फिर वो ब्रेन की वो कैपेबिलिटी नहीं होती, आप वो सुपर जीनियस डॉक्टर नहीं बन पाओगे, एक सिंपल डॉक्टर बन के रह जाओगे। तो मैं नहीं चाहता कि, इसलिए कम टाइम में जितना जल्दी हो फटाफट सिलेक्शन लो, बस यही एक जरूरी है, ड्रॉपर्स के लिए बोलता हूं मैं, वही मैं आपके लिए बोल रहा हूं कि क्योंकि निकलो बस फटाफट, मेडिकल कॉलेज में पहुंचो जल्दी से, ठीक है। तो बस यही है बेटा, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।